हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। विज्ञापन संख्या यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह विज्ञापन जारी हुआ है 15 अक्टूबर 2019 को और यह सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। सहायक अभियंता असैनिक के पदों के लिए 600 से ज्यादा पदों के लिए यह आवेदन मांगे गए हैं। तो इसमें आवेदन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप इस फॉर्म को भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। आवेदन 5 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए हैं और इसके लिए आप 11 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस डिपॉजिट की अगर बात करें तो 13 नवंबर 2019 तक आप इसके लिए फीस डिपॉजिट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पेज का लिंक साथियों आपको मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पर आप आएंगे, सारी जो नोट्स यहाँ पर दिए हैं, सभी चीजें कैसे आवेदन करना है और क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सभी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सभी चीजें दी हैं। इतनी चीजें पढ़ने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हैव यू डन रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर अंगेस्ट अर्लियर एडवर्टाइजमेंट जो पहले आया था उसमें आपने आवेदन किया था क्या, तो यस या नो। अगर आपने किया था तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको नो कर सकते हैं, ठीक। एक चीज याद रखिएगा, इस फॉर्म को आपको 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है, अन्यथा यह रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, हमने नो किया है तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है, ठीक है। पेमेंट के लिए भी आप यहाँ पर नो करिए, क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पेमेंट भी नहीं किया, ठीक है। अप्लाई फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, तो हम सिविल इंजीनियर के लिए आपको बता दे रहे हैं, वैसे ही आपको मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आवेदन करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट का यहाँ पर आपको किस किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहें वो यहाँ पर प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, जैसे चाहें। 3 डिपार्टमेंट हैं, उनको आप जैसे चाहें दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कैंडिडेट का कैपिटल लेटर में नाम आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फादर नेम टाइप कर दीजिएगा, उसके बाद सभी चीजें कैपिटल लेटर में, मदर नेम यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर मेल कैंडिडेट है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पर, ठीक है। मैरिड अनमैरिड वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप डाल दें, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड पर टिक करें, अदर स्टेट से हैं तो अदर पर टिक करें और यहाँ पर जनरल कैटेगरी पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आप वह सेलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद कोई क्लेम अगर आपका हैंडीकैप का है तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। फिजिकल हैंडीकैप वगैरह कुछ ऐसा अगर आप हैं तो आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो आप इसे यस या नो कर सकते हैं। सर्विस मैन हैं तो आप इसे यस या नो कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी देंगे और कन्फर्म ईमेल आईडी यानी कि दोबारा से ईमेल आईडी अपनी देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ये सभी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस दिख रहा है, ये एड्रेस फिल कर दीजिए। स्टेट अपना सेलेक्ट करिए जिस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं और अपने एरिया का पिन कोड। अगर आपके पास परमानेंट कोई दूसरा एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इस बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा, ठीक। इतना चीजें आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कैप्चर कोड, उस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर टोटल कर देना है, ठीक है। उस कैप्चर कोड को यहाँ पर टोटल करना है तो हम टोटल कर देते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप टोटल करेंगे जो आएगा वो यहाँ पर आप लिख दीजिए और लिखने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं सेव एंड एडिट, ये ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से और इसे ओके कर देना है, ठीक है। सभी चीजें चेक करने के बाद जैसे ही आप इतना करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो चीजें फिल की हैं वो आपको दिखने लगेंगी। इसको अच्छे से आप चेक कर लीजिए कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है सभी चीजें सही हैं तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, लेकिन सही होने पर ही क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इतना करेंगे साथियों तो यहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से लॉगिन पेज पर आ जाएंगे जैसे शुरू में थे हम।
अब यहाँ पर हमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देना है और हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी, ठीक, और लॉग इन बटन पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। जैसे लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एजुकेशन एंड अदर डिटेल में। सबसे पहले एजुकेशन एंड अदर डिटेल में आप क्लिक करिए और इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडियन फिल है इसको फिल लेने दीजिए। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो आपकी मदर लैंग्वेज हो सेलेक्ट करिए, टाइप करिए। आइडेंटिफाई कि आपकी बॉडी में कोई कट वगैरह है, तीर है, तो वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कट मार्क कौन है हमारे, तो हम वो टाइप कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कर देना है। उसके बाद हाई स्कूल, इंटर और बीटेक, ये तीन क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोर्ड का नाम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क, प्रतिशत यहाँ पर आ जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, पासिंग ईयर और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इतनी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको सभी चीजें इस प्रकार से फिल करनी है। आपको अपने हाई स्कूल, इंटर और आपने जो बीटेक किया है सिविल या मैकेनिकल से, उसका पूरा बोर्ड, यूनिवर्सिटी कितने में कितने की, मैंने एक डेमो दिखाया आपको, ये मत देखिएगा कि इतने कम मार्क्स का नहीं होता, बहुत सारे अभ्यर्थियों के यह कमेंट आने लगते हैं, लेकिन आप केवल यहाँ पर डेमो दिखाया गया इसलिए उसके अनुसार ही देखें और किस ईयर में पासिंग किया, कौन सी डिवीजन थी आपकी और सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर नहीं भरना है, याद रखिएगा आपको सर्टिफिकेट नंबर ही भरना है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है आपको फिल करना है। अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहीं एम्प्लॉयड, अगर आप झारखंड में रहे हैं तो आप इसको यस कर दीजिए, अन्यथा इसको आप नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यूपीएससी या एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कभी आप डिवर्ट रहे तो आप यस या नो कर सकते हैं। हम यहाँ पर सब नो कर देंगे और आई एग्री करने के बाद प्लेस में अपने जिले का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कैप्चर कोड, इस कैप्चर कोड को आपको डाल देना है और कैप्चर कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। कैप्चर कोड डालने के बाद सेव एंड एडिट कर देंगे, ठीक। तो जैसे इसको एडिट करेंगे सक्सेसफुली हो जाएगा हमारा सेव और फिर यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर हमारा मांगेगा। तो फोटो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइज 15 KB से 25 KB, सिग्नेचर 10 KB से 15 KB। उसको फिर ओके कर देंगे यहाँ पर। देखिए हमारा ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है फोटो और सिग्नेचर। अब सारा फॉर्म का जो भी आपको फिलअप करना था फॉर्म में सारी चीजें फिल हो चुकी हैं। अब आपको पेमेंट प्रोसेस पर जाना है, यानी हमें पेमेंट यहाँ पर करनी है, ठीक है। इसमें देखिए हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ सभी चीजें आ रहा है और 600 रुपए की यहाँ पर पेमेंट हमारी पेंडिंग दिखा रही है। तो जब तक आप ये पेमेंट नहीं करेंगे, यानी ये पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे देखेंगे तो फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है, यहाँ पर फॉर्म कंप्लीटेड दिखाने लगेगा और आप यहाँ से फाइनल प्रिंट ले पाएंगे। तो साथियों अब यहाँ पर आपको ये पेमेंट करनी है। तो ये पेमेंट देखिए कैसे होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन फीस वर्किंग डे, यानी कि कम से कम अगले दिन, यानी जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके अगले दिन इसकी आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है, वो भी 12 बजे के लगभग बाद में, ठीक है। यानी कि तुरंत अगर आप आवेदन करेंगे तो ये आवेदन नहीं होगा। देखिए क्या बताएगा, जैसे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं और यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो देखिए इस तरह से आपका आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर हमारा डेटा वेरीफाइड नहीं दिखाएगा। ये तभी दिखाएगा जब रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपने किया है उसके अगले दिन 12 बजे के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट कन्फर्म हो जाएगी। फिर उसके अगले दिन ही आपका यहाँ पर फाइनल प्रिंट निकलेगा। याद रखिएगा, आप परेशान मत होइएगा कि आपका तुरंत प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो प्रिंट अगले दिन निकलेगा। तो केवल यहाँ पर आपको फीस जमा करनी है। फीस आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI के किसी भी उससे जमा कर पाएंगे। फीस जमा करने में या प्रिंट निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।